पुलिस के पास आखिरकार ये सच पहुंच गया है कि सुशांत और रिया के बीच वाकई में झगड़े हुए थे। ना सिर्फ झगड़े हुए थे बल्कि झगड़ों की वजह से रिया सुशांत से काफ़ी दूर चली गई थी और एक डिप्रेस्ड सेलिब्रिटी, लॉकडाउन के वक्त हारा हुआ सेलिब्रिटी, अपने घर में कैद सेलिब्रिटी, पहले ब्रेकअप से ऑलरेडी टूटा हुआ सेलिब्रिटी, पहले प्यार को ना भूलने के दर्द से गुजर रहा सेलिब्रिटी, वो SSR जब दूसरे प्यार को खो देने के डर से गुजर रहा हो तो सोचिए कैसी उसकी स्थिति होगी। जी हाँ, SSR फिल्म इंडस्ट्री की ऑन स्क्रीन धोनी यानी कि सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया के बिहेवियर से परेशान थी। ये बात उन्होंने अपने साइकेट्रिस्ट को बताया था। साइकेट्रिस्ट ने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दिया और रिया ने पुलिस के पास बताया। पुलिस के पास ये सच उन्होंने कबूला कि घर से वो दूर हुई थी, पहले वो साथ रहते थे, फिर झगड़ों के बाद वो उनका घर छोड़कर चली गई थी और रिया नहीं चाहती थी कि सुशांत अपने हाउसमेट्स के साथ रहें, वो सिर्फ उनके साथ रहें यही रिया चाहती थी। जिसकी वजह से रिया अब सोशल मीडिया पर इसलिए ट्रोल हो रही है क्योंकि जिस सिद्धांत पिठानी के साथ सुशांत रहा करते थे अपने बांद्रा के आलिशान फ्लैट में, उस सिद्धांत के साथ रिया का भी गहरा रिश्ता था। रिया की फ़ोटोज़ वो क्लिक करते थे, रिया के कई इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ में क्रेडिट रिया ने खुद सिद्धार्थ पिठानी को दिया है, पिठानी को जो कि सुशांत के फ्रेंड है, और ऐसे में कहीं ना कहीं रिया की बातें काफ़ी झूठी साबित होने लगी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।